ओए मुछड़, अभी तक तो मेंढक की तरह टर्टर कर रहे थे, अब आवाज कहाँ चली गई? अब कुछ बोलते क्यों नहीं? शराफत गायब, सांप को देखकर मेंढक डर गया? मैं क्यों डरूं? आप ही सोचिए ना, कभी इस गांव में किसी लड़की को क्रिकेट खेलते देखा है? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे साहब, लड़के कितने सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हुई का? और आज देखो, इस लड़की की वजह से इतना बड़ा तमाशा हो गया। अरे लड़कियों की मांग तो होती ही रहती है, माँ बाप को उस पर काबू रखना चाहिए ना। बाप से संभाला कहाँ जा रहा है? एक और बात, क्रिकेटर के खानदान से भी लड़कियाँ नहीं खेलती, सिर्फ लड़के खेलते हैं, समझी ना बेटा? जरा अपने बाप को समझाओ, खोपड़ी उलट गई है इनकी। ये सारी बातें छोड़िए, आप ही सोचिए, अगर ग्राउंड पे एक लड़की पैंट शर्ट पहनकर इतने सारे लड़कों के बीच में यहाँ वहाँ भागेगी तो लड़के तो उसे देखेंगे ही ना। और सिर्फ देखना ही क्या, लोग तो बात भी करेंगे ना। लड़कियों को बुरी नजर से देखना आम बात है, गलती करने के बाद हमारे लड़कों को ही मारेंगे। इसी वक्त हमारे लड़कों से माफी मांगिए, नहीं तो अगली बार इस गांव में खेलने आए सही सलामत नहीं लौटोगे। चलिए पीछे, लड़कियों को बुरी नजर से देखना आम बात है। मेरी बेटी के लिए जो लड़ रहे थे वो भी तो लड़के ही थे ना, क्या वो जवान नहीं है? उन्हें तो पैंट शर्ट में कोई भी बुराई नजर नहीं आई। बुराई कपड़ों में नहीं होती, बुराई तुम लोगों की परवरिश में है। मर्दों के गंदे ख्यालों को सही कहकर औरतों की बेइज्जती करके उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारी बातों में आकर उसे कैद करके रखा तो एक बार फिर औरत की आजादी पर, उसकी सोच पर पाबंदी लगाने जैसा होगा, अत्याचार होगा। अगर उसे खेलना नहीं आता, उसमें प्रतिभा नहीं होती, तो वो खुद ही नहीं खेलती। और तुम कह रहे हो कि वो एक लड़की है और इसलिए उसे नहीं खेलना चाहिए, तो तुम्हारी अक्कल को घुसेड़ो तुम्हारी। अब एक बात सुन लो तुम लोग, अब वो सिर्फ यहाँ की लोकल टीम में ही नहीं, ना ही सिर्फ स्टेट टीम में, बल्कि इंडिया की टीम में खेलेगी और जीतेगी। और फिर वही लोग जिन्होंने कहा कि मंजुनाथ की बेटी ने गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, वो उसकी जीत का जश्न मनाएंगे और उसकी तारीफों के पुल बांधेंगे। मुझे विश्वास है अपनी बेटी पे और कसम धरती माँ की कि ऐसा ही होगा। अगर मेरी बेटी के बारे में किसी ने एक अपशब्द कहा तो मैं उसे अपने खेत में ले जाकर वहीं काट दूंगा। चलो बेटा। चाचा जी, आप भी चलिए ना सिलेक्शन के लिए। नहीं बेटा, मुझे कृषि अफसर से मिलने जाना है। अरे तुम उसके भाई हो, तुम हो ना उसके साथ? ठीक है चाचा। चाची जी, कौशी बहुत टैलेंटेड है, उसको खेलने। अरे भाई, वो बहुत साथ नहीं जा रहे हो? अब इसे भी समझाओ। क्रिकेट खेलते हो इसलिए अब तक नौकरी नहीं मिली तुम्हें। तुम्हारी माँ भी तुमसे बहुत परेशान है, तुम चाहते हो मेरी बेटी की हालत भी तुम्हारी जैसी हो जाए। क्या बात है सावित्री, वो लड़की और तुम्हारी बेटी एक है क्या? हर गली में लड़के क्रिकेट खेलते रहते हैं, कौशी उन जैसी है क्या? कौशी हमारे जिले की सबसे अच्छी खिलाड़ी है। एक और बात, इस प्रतियोगिता में लड़कियां बहुत कम है, इसलिए हमारी बेटी जीत जाएगी, जिससे उसे रेलवे में नौकरी मिलेगी। उसके बाद तुम और मंजुनाथ मुफ्त में पूरा भारत दर्शन कर लेना। याद है ना, कई साल पहले तुमने मंजुनाथ से शादी करने के लिए कितनी जिद की थी? अगर तुम शादी के लिए जिद कर सकती हो तो वो क्रिकेट खेलने के लिए जिद नहीं कर सकती? तो अच्छी बातें करो, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, खुशी से भेजो उसे। तो ठीक है, अब फैसला कर ही लिया है तो जाने दो उसे। अगर वो कामयाब हो गई तो जो चाहे वो कर सकती है, अगर नहीं हुई तो ये बैट बैट उठा के सब फेंक दूंगी। फिर इसे शादी करनी ही होगी, अच्छे से समझा दो इसे। मामा जी, सिलेक्शन होने पर मुफ्त में इंडिया घूम सकूंगी ना? सही कहा, कह दो इसे तैयार रहे। शाबाश। ध्यान रखना बाबा। हाँ, बहुत बड़ी हो गई है तू। बाय बाबा। बाय मामा जी। बाय बाय बेटा।
देखा सर, गांव की लड़की कितनी अच्छी बॉलिंग कर रही है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ प्लीज लीजिए ना। थैंक यू। कॉन्ग्रेट सर। थैंक यू। थैंक यू सर। एक मिनट आती हूँ। हेलो। हाँ कौन? मैनेजर साहब नहीं? नया मैनेजर ड्यूटी ज्वाइन किया है। हे छोटे, कौशिक का सिलेक्शन हो गया। बॉस, लेकिन सबसे मुश्किल राउंड तो कल है ना? मुश्किल राउंड तो आज ही था, कल वाला आसानी से पार कर लेगी। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है? बूढ़े हो जाओगे इंस्पेक्शन इंश्योरेंस के चक्कर में। ये कभी मिलता है तो कभी नहीं भी मिलता है। नहीं सर, वो सूखा पड़ गया था इसलिए। वो कह रहे थे कि जांच अधिकारी आएंगे। जांच अधिकारी तुम्हारा लोन थोड़ी चुकाएगा, कुछ और काम धंधा करके किस्तें भरो। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, गांव में अब खेती का काम नहीं रहा और अब तुम किसान नहीं रहे, समझे ना? Come on girls, let's do it. We can do it. Come on. Yay. ये क्या आनंद भाई, लॉन्ग ऑन पे खड़ा कर दिया। देखिए, सूखे की वजह से सारी फसल खराब हो गई है, अब ये किसी काम की नहीं। सरकार की मदद मिलना मुश्किल है। सर, अगर दूसरी लड़कियों की तरह इसको ट्रेनिंग दी जाए तो इसकी फील्डिंग काफी सुधर सकती है। मैं जानता था ऐसा होगा, इसलिए मैंने कहा था कि कॉलेज बनाने के लिए जमीन बेच दो। पर खेती और फसल के बारे में बात कर करके इसने भी गांव वालों को गुमराह किया है। कैसे लोग होते हैं। देखा आपने, क्रिकेट में सिर्फ बॉलिंग ही नहीं होती, बैटिंग फील्डिंग सब कुछ मायने रखता है। मस्ती मजाक के लिए अपने गाँव में खेल लिया होगा पर यहाँ नहीं चलता। ये क्रिकेटर बन ही नहीं सकती। रिजेक्टेड। गांव में अब खेती का काम नहीं रहा, और अब तुम किसान नहीं रहे। ये क्रिकेटर बन ही नहीं सकते। ये क्रिकेटर बन ही नहीं सकते। अरे मेरी सवारी तो। अरे बहुत धन्यवाद आपका, मैं चलता हूँ। जी ठीक है। बेटा यूनिफॉर्म को इस्त्री कर लिया? रुकिए, खाना तैयार हो गया है। मैम साहब ने भी कुछ नहीं खाया है, मैंने उसका टिफिन दे दिया है, इसे स्कूल तक छोड़ दीजिए। अच्छा बेटा सुनो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। कौशिक को सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया? उसका खेल सही नहीं था क्या? वो नई जगह थी ना चाचा जी, इसीलिए वो घबरा गई। अगली बार उसका सिलेक्शन जरूर होगा। भाई साहब, आपके कैलेंडर में महीने के 90 दिन होते हैं क्या? हर महीने सही वक्त पे इंटरेस्ट तो भर दीजिए। सिलेक्शन हो गया। हाँ, क्या मारा था उसको याद है? अरे ये क्या, आप तो रात को आने वाले थे। गाड़ी का क्लच दबाते दबाते पैर में दर्द होने लगा, इसीलिए जल्दी आ गया। बाबा मुझसे नहीं हो रहा है। अरे इतना आसान है, ये देखो। देखा? ये गई। हेलो, हम सिर्फ हनीमून के लिए गाड़ी देते हैं, शादी नहीं करवाते। ये लीजिए किराया। जी ठीक है। जी कल मिलते हैं। ये क्या बात हुई बॉस, अपने होने वाले ससुर से कोई पैसे लेता है क्या भला? वो बात नहीं है भाई,
खेतों का काम छोड़कर दूसरा काम कर रहे हैं, यही इंसान के लिए शर्म की बात है। अगर मैंने इन्हें मेरे लिए काम करने को कह दिया तो इनकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी, इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास डीजल वाली गाड़ी है, पड़े पड़े वो कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए आप इसे रेंट पर चला लेंगे तो मेरा फायदा हो जाएगा। उन्होंने मेरी बात मान ली और काम शुरू कर दिया। इज्जतदार लोगों को अपनी इज्जत जान से प्यारी होती है। हमसे 4 लाख का कर्जा लिए हुए इन्हें 2 साल हो गए हैं। भूख लगने पर खाना खाते हो ना, उसी तरह अपनी सैलरी के लिए काम क्यों नहीं कर पाते हो? अगर तुमसे ठीक से काम नहीं होता तो नौकरी छोड़ दो। सर विश्वास कीजिए, इनकी कोई गलती नहीं, मैंने ही वो। मंजूनाथ याद रखो, मैं इन लोगों को इसलिए डांट रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी उम्र का लिहाज है। ये लास्ट वार्निंग है, 3 महीने के अंदर पूरा पैसा लौटा दीजिए। सर 3 महीने में मैं पूरी रकम कैसे लौटा पाऊंगा? अरे ब्याज भी तो टाइम पर नहीं दे रहे हैं आप। वो भी भर दूंगा सर। तो भर दो ना मंजूनाथ, जो तुम ब्याज देते हो ना उसी से इनकी सैलरी कन्वेंस हमें देना पड़ता है। बेचारों के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं आप? लात? सर आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी मुझसे, मैं तो एक किसान हूं जिसने लोगों का पेट भरा है। अगर आप किसान हैं तो फसल काटिए, हमारे गले क्यों काट रहे हैं? जाइए। बहन यहाँ काम करके कोई फायदा नहीं, हमारी मुश्किलें तो बढ़ती जा रही है। लक्ष्मी तुम्हारे 12वीं का रिजल्ट कब है? अगले महीने 26 तारीख को। पास हो जाओगी? हाँ पास हो जाऊंगी। ओ सावित्री तुम्हारी बेटी भी 12वीं में ना पास हो जाएगी? कैसे पास होगी, पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है, दिन भर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती रहती है। खेतों में काम करने वाली सीधे मैदान में क्रिकेट खेलने पहुँच गयी। हाँ तुम्हारी बेटी के तो सपने ही बहुत ऊंचे हैं। अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया होता तो बैट बॉल को हाथ लगाने से पहले मैं उसके हाथ पांव तोड़ देती या फिर मैं उसकी शादी करवा देती। सावित्री बहन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अरे तुम्हें तो अपनी बेटी की परवाह ही नहीं है। कल तक वो औरतें जो पीठ पीछे भी मेरे बारे में बात नहीं करती थी, आज उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने मुझे ताने मारती हैं। मेरा पति इस गांव में राजा की तरह घूमता था, पर तेरे क्रिकेट की वजह से अपने ही गांव के लोगों से इन्हें आज मुंह छिपाना पड़ रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इस मनहूस क्रिकेट की वजह से हो रहा है ना? हाँ जो लोग कहते थे कौशी बहुत अच्छा खेलती है वो आज तेरी वकालत करने क्यों नहीं आ रहे हैं? एक दिन यही होगा इसी बात का मुझे डर था। उस दिन तो बड़ी अकड़ के बोल रही थी मैं कोचिंग क्लास जाऊंगी, सबसे अच्छा खेल कर दिखाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था कि तू ऐसी मनहूस लड़की बनकर लौटेगी इस घर में। सुन रही, क्या मैंने तुझसे कभी कहा था कि मुझे मुफ्त में पूरा देश घूमना है? अगर तुम्हें कुछ पाना है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए जिद पालनी होगी। तुम्हारी जिद को देख कर उस चीज के लिए तुम्हारी ये दीवानगी सबको समझ आनी चाहिए। तुम क्या करने वाली हो, कैसे करने वाली हो मुझे नहीं पता, बस हम दोनों को तुम्हें भारत दर्शन करवाने हैं ये समझ लो। अगर तुम कामयाब होकर वापस घर नहीं लौटी तो दोनों टांगे तोड़कर घर में बिठा दूंगी। मां